आज यहाँ पर मिसेस इंडिया पर आए, कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही फैबुलस रहा है, बिकॉज आई फील लाइक समवेयर मैं शो से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कनेक्टेड हूँ. एंड बैंगलोर में जो मैंने कंटेस्टेंट्स देखे थे उनमें, और जो सिलेक्ट होकर यहाँ आई भी हैं और बाकी सारे शहरों से भी जो यहाँ पे लेडीज़ आई हैं, तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एंड आई फील लाइक वो ऑलरेडी विनर्स हैं सब अपने अपने मायने में, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना, एक सही प्लेटफॉर्म मिलना ईजी बात नहीं है और बहुत बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है खुद में. सो या इट्स ग्रेट टू सी दम. ओके, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग यहाँ पर आए हैं, तो ऐसी कौन सी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपने देख रहे थे? यू नो, मुझे जब प्रोग्राम शुरू हुआ तब से लेकर अभी फर्स्ट राउंड ख़त्म होने तक, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पूरे इंडिया का एक टूर कर लिया है. बिकॉज हमारा जो कल्चर है इस कंट्री का वो इतना डाइवर्स है, इतना रिच है, और सबको एक साथ बैक टू बैक स्टेज पे देखना, आई मीन मज़ा आ गया. मैं तो हर गाने पे डांस कर रही थी. ऑफकोर्स राजस्थान गुजरात देखते ही मतलब यू नो ऐसा लगा कि ओ वाओ इतने कलर्स और ये सब कुछ. बट बैंगलोर का नाम आते ही ऑफकोर्स वो आइडेंटिफिकेशन तो है, तो मैं साउथ इंडियन मोड में आ गई थी फुल. और फाइनली जब महाराष्ट्र आया तब का अरे कर्म भूमि यही है. सबसे ज़्यादा जोश आई थिंक महाराष्ट्र के गाने पर आया. जैसे कि अगर हम बात करें, आजकल डिजिटल काफ़ी हाई हो चुका है, इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, आप कैसे देखते हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को? सैडली मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत लेट ज्वाइन किया, हर प्लेटफॉर्म को एक्चुअली. जब फेसबुक भी आया था तब भी मैंने बहुत साल तक ज्वाइन नहीं किया था. बट मैं बहुत ही सेल्फिश सोशल मीडिया यूज़र हूँ. मैं लिमिट करती हूँ अपना टाइमिंग ओनली फॉर 5 मिनट्स अ डे, बिकॉज मुझे कोई भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं लगता. तो मैं ऑनलाइन जाती हूँ, अपलोड करती हूँ, जो दिखा उस समय उसको लाइक कर देती हूँ और बंद. तो मेरा डेली यूजेज ऑफ ऑल सोशल मीडिया टुगेदर इज़ 5 मिनट्स मैक्स. तो बहुत कम लोग ऐसे जिन्हें मैं पहचानती हूँ, जिनको मैं देखती हूँ, जो आज मैं सुन रही हूँ बहुत बड़े डिजिटल स्टार्स हो गए, मुझे पता ही नहीं होता. जैसे कि यहाँ पर कौन जीत पाएगा, आपको क्या लगता है कौन से स्टेट के लोग ज़्यादा? बहुत सारे लड़कियों में आज वो पोटेंशियल दिख रहा है, और ये कहना कि कौन जीतेगा बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है. बट आई एम लाइक आई सेड, वो यहाँ तक पहुँची है तो ऑलरेडी बहुत बड़े विनर्स बन गए हैं वो. ओके, यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे मिसेस जो हो रहा है इवेंट, यहाँ पे इनके पति देव भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनके. हाँ, तो उसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं, मोर एंड मोर हस्बैंड सपोर्ट हो? आई फील लाइक यू नो एक ऐसा इमेज बन गया कि हस्बैंड्स यूजुअली सपोर्ट नहीं करते हैं, बट थ्रू आउट इस सीरीज में मैंने देखा इवन बैंगलोर ऑडिशंस में हस्बैंड्स बहुत आगे चलकर सपोर्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ्स को. तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स फैब्यूलस. हमेशा आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए, पार्टनर हो तो ऐसा हो. आखिर में अपने फैंस के लिए मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि यू नो जिस तरह से ये लेडीज़ अपने सपनों को पूरा कर रही है, आप भी अपने सपनों को जैसे तैसे कर सकते हैं पूरा कीजिए, बिकॉज़ एक ही लाइफ मिली है, यू शुड लिव इट टू द फुलेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक